सिटी टीवी 24 न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। चंदपा हाथरस, चंदपा क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद। आपको बता दें कि कोतवाली चंदपा क्षेत्र में आए दिन हो रही ताबड़तोड़ घटनाएं, अपराधियों के हौसले बुलंद। कोतवाली चंदपा पुलिस अंकुश लगाने में दिख रही विफल। बताया जा रहा है कि कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव मोहनपुरा में कल शाम 7 बजे से गायब 10 वर्षीय बच्ची का आज सुबह मिला मृतक शव। बच्चे के परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या करने का आरोप। सूचना मिलने पर पहुंची दो थानों की फोर्स एवं डॉग स्क्वाड की टीम। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। फिलहाल पुलिस ने मृतक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल। मृतक के पिता एवं चाचा की बाइट, अलीगढ़ मंडल प्रभारी अनिल चौधरी। मोहल्ले में लड़ाई हुई थी। ये कह रहे थे मानी कि तुमको देखेंगे, साले कुछ ना, तो लड़का भी धोस उतार दिया। पूरी रात होगी देखा देखा सारे खेत देख लिए, वहाँ मिला हूँ। सुबह वहाँ पे लाश मिली है। गड़ी हुई थी या ऊपर पड़ी हुई थी ये बता नहीं, इनको ही पता नहीं। तो कह रहा अगर से भी लौटो वहाँ जगह पे, हमने सब जगह देखो रात तो हमें मिलो नहीं। जिन्हें जाके इन्हें देखो सुबह दिन में तो मिलेगा। ये पूरा मामला क्या हुआ? पूरा मामला सात बजे से मेरा लड़का घर से निकला हुआ है और इसे लेके आया है मेरे ताऊजी का लड़के का लड़का। चल मेरा उसका नाम है जो, उसने कहा कि मेरा मोबाइल खो गया है टूमल पे, उसे ढूंढवाने के लिए फोर्स लेके चल। तो ये उसके साथ आया है, फिर ये वहाँ पर पहुँचा ही नहीं है। वहाँ आपने खोजने का प्रयास नहीं किया? खोजने का प्रयास किया हमने, अपना था वो, हमने कोई गौर नहीं दिया कि ये ऐसा करेगा। तो यार सबसे पहले आप आए तो आपने पुलिस को सूचना दी? जी सर। लगभग कितने बजे आए? सुबह 5 बजे निकल गए घर से घूमने के लिए। 6 बजे आगे घंटा भर हम निकल रहे हो गया घूमने में। फिर यहाँ पे कुछ लोगों को दिखा तो हमने कहा उसे छेड़ना मत, जैसा है वैसा ही रखने। आपकी पुरानी स्कूल? जी हाँ साहब, जी जी साहब। हाँ सर, पिछली दीपावली से 1 महीना पहले मुझे मारा इन लोगों ने और मेरे पे अपनी बहन के कपड़े लपेट मार गए। ये सब साहब हमारे पड़ोस के हैं ये लोग।